हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे भाई आप सब? होप सब ठीक ही होंगे। तो भाई सुबह सुबह रेडी हो चुका हूँ मैं, क्योंकि आज जा रहा हूँ मैं नानी घर भाई सत्संग। तो थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ और अभी निकलता हूँ यार, बस गाड़ी निकालने लगा हूँ। सन्नी भाई कर रहा है, देख लो भाई गाड़ी गंदी हो चुकी है, रात को लेके गया था तो भाई ऐसी धुलाई नहीं अभी तक। रोहन भाई भी आ चुका भाई दूध लेने, ठीक है। और भाई ले लिया दूध? भाई दूध ही ले लिया, और भाई सब कुछ ले लिया। ले लिया ना भाई, पैक कर लिया। बढ़िया बढ़िया यार। तो भाई ठीक है यार, रोहन के घर में भी भाई बहुत मजा आया था यार, जो ब्लॉग्स आए हैं ना रोहन भाई के घर में आए थे भाई शास्त्री जी, तो बहुत मजा आया। अच्छा, कंटेंट लिया भी वहाँ से, बड़ा मजा आया यार, वहाँ पे एंजॉय किया गया तगड़ा वाला। तो चलो ठीक है यार, सनी भाई यार अभी ब्लॉग करके दौर को, तो निकलता हूँ यार मैं भी, ठीक है। बाय भाई, गाड़ी निकाल लेता भाई मैं बाहर। रोहन भाई ने आज भाई गेट खोल के दिया मेरे को, देखो यार क्या पता निकल ही जाए मेरे से बाहर। निकाल ली है, डन हो गया काम, ठीक है। तो धूप अच्छी खासी है भाई बाहर, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये मेरे को पपियाँ देता है जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, देखो देता है मेरे को अच्छी खासी पपियाँ, ठीक है ना, बढ़िया लग रहा ना। ओके थैंक यू। ये यार पता नहीं क्या हो गया मिरर पे, देखो छोटे छोटे डॉट 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 हो गए, आपको क्या पता दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पर हो गए। इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा, पता नहीं क्या पड़ गया हुआ। गाड़ी भी धुलानी है भाई, इसका टाइम आ गया धुलाने का, है ना, धुलानी पड़ेगी जल्दी से जल्दी यार, नहीं तो चलाने का मजा नहीं आता। तो सन्नी भाई नहीं आ रहा यार, सन्नी भाई आए तो थोड़ा सा काम चले, सन्नी आ नहीं रहा भाई। चलो यार देखता हूँ बाहर जाके लेके आता हूँ उसे, ठीक है यार, बाय बाय। सर दोस्तों, मैं पहुंच गया यार पंगदौर गांव में, ठीक है। यहाँ से कुछ लेना था सन्नी भाई ने, तो नानी ने मंगवाया हुआ था, अभी सन्नी भाई गया है दुकान पे, तो मैं यार गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी काट के आई। तो ये देखिए, ये दिखा देता हूँ मैं यार, ये है पंगदौर गांव, ठीक है। यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं। ये देखिए, ये इनको पप्पी दे रहा भाई सब गाँव वालों को। तो चले भाई निकलते हैं, अभी सन्नी भाई आ चुके। सो दोस्तों यार, मैं नानी घर आया था तो सत्संग आ गया, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, सत्संग स्टार्ट हो चुकी थी। तो अभी सत्संग सुन के भाई, सत्संग होगी क्लोज, तो सब सामान वगैरह समेट रहे हैं, तो सब लोग जा चुके हैं। हमारी नानी है, दो दो नानी है, ठीक है। ये हमारे नानू जी बैठे हुए हैं। और सत्संग सुन के नानी कैसे लगा फिर? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया लगा भाई नानी का सत्संग सुन के, बैठे हुए थे। चलो यार मिलते हैं सबसे, इन नानी से भी करते हैं बात भाई, ठीक है। मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बोला किसी से बात करना। हां नहीं, ये वीडियो सब देखते हैं भाई। तो भाई नानी को लग चुकी थी अभी, ठीक है ठीक है, और ठीक हो जाएंगे, अभी चल सकते हैं, पहले चल नहीं सकते, गिर गए थे, ठीक है। अभी ठीक हो ना? हां अभी ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है ठीक कर दिया। हां बाबा जी की बड़ी दया भाई हम पे, है ना, हमारे परिवार पे बाबा जी की बड़ी दया, होनी भी चाहिए। सही बात है, होनी भी चाहिए, उनको तो मानते याद करते हैं प्यार पे, तो है ना, वो प्यार देते हैं तो हम सब प्यार लेते हैं। हां सही बात, सही बात, ठीक है। अभी ठीक हो चुके हैं, ठीक है, चल पाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। गिर गए थे स्कूटी से, पर कोई नहीं, चल जाते। नानी आ चुकी है, नानी जी क्या कर रहे हो, क्या करना है, क्या करना है, सुना जरा, क्या मर्जी करो। अच्छा ठीक है ठीक है, तो नानू जी से करने वाले। नानू जी कैसे हो? बढ़िया यार, आज पहले एक दिन मुझे वाइट दी, आज ब्लैक हो गई है, कैसे होगी बताओ यार। अरे बताओ, कुछ नहीं होता। अरे नानू जी से करेंगे भाई बात। तो ये है मेरे प्यारे नानू जी, ठीक है, बड़ा प्यार है यार, जब फील डालते हैं हम जब आते हैं ना ऐसे यार, मतलब मजा नहीं आता। और बढ़िया बढ़िया, फोन है वन प्लस, वन प्लस का कंपनी है, अच्छा फोन होता है, कैमरा मतलब सही है इसका, कैमरा सही है, बढ़िया ये कैमरा, हां कैमरा ये, ये तीन तीन, ये लोगो है, लोगो वन प्लस, ये कंपनी है। अच्छा, ये कितना आंदा फोन आ गया, कोई 3000 का, 3000 का, और फिर कैमरा नानू भाई देख लो भाई, नानू तजर्बे लगाते रहते हैं, एक दिन मुझे वाइट है, एक दिन मुझे गाली, देख लो बाल वाइट है। चलो ठीक है नानू जी भाई, अभी हम खा लेंगे भाई अब खाना, ठीक है। तो ठीक है यार दोस्तों, मिलता है यार। तो ये देखिए भाई, मामू जी रह गए भाई, मामू जी ने भाई ये कवर लगा दिया हुआ था, गायें मतलब गायें को दिख नहीं रहा था बाहर कुछ, तो गायें बहुत भाई ऐसे कर रही थी, मतलब आवाजें निकाल रही थी। तो ये देखिए भाई, गायें रखी हुई हैं, एक गाय रखी है, ये उसकी मतलब बच्चा है उसका, ये बच्ची है मामू, बच्ची बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची, कलर देखो भाई इसका कितना अच्छा। तो ये देखिए, इनका नाम भाई डालना पड़ेगा, हमारी मंझ का नाम तो भाई मोरनी है ना, ठीक है, भैंस का नाम हमारी, तो ये गायें हैं गो माता, ठीक है। तो ये देखिए भाई, देखो इसका गोबर, ये भाई कच्चे बेड़े में भी लगाते हैं गोबर इसका, तो सब सही है, ठीक है। तो ये देखिए भाई, मामू जी भाई करते हैं अच्छी खासी सेवा, ठीक है। और मामू जी लगा रहे हैं भाई, हाइट अच्छी है मामू की, मामू ऊपर पहुंच जाते हैं, हैं तगड़ी हाइट है भाई, 6 फिट गए मामू। और मामू जी कैसे हो? बस ठीक है, बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया ना, मस्त है, ठीक है यार, मामू मस्त है यार, हम भी मामू के साथ रह के मस्त हो चुके हैं भाई, ठीक है।
मामू जी हमें तजर्बा सिखाते हैं भाई अपनी जिंदगी का क्या क्या इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अरे और क्या नहीं बनानी मामू, वही वीडियो बनानी है आपको, फेमस करना है, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो मामू जी देखो भाई कर रहे हैं अभी अच्छे से फोल्ड इसको कवर को, क्योंकि भाई ठंड होती है रात को तो फिर ये कवर लगाना पड़ता है क्योंकि गायें और अंदर होती है गायें। तो मामू ने तो मैट भी डाला हुआ है नीचे अच्छे से, मतलब वो इनको पत्थर चुभे ना नीचे से, अच्छे से मैट डाला हुआ है, बिल्कुल तगड़ी सेवा करते हैं। ये ट्रैक्टर रखा हुआ है हमने मैसी ट्रैक्टर, ठीक है, मैसी ट्रैक्टर रखा हुआ है, बहुत अच्छा यार, मैं भी चलाता हूँ, ठीक है। तो ये है छोटी सी ट्रॉली, इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा सामान वगैरह जो भी लोड करना हो, ठीक है, गोबर वगैरह मतलब छोड़ना हो। तो ये देखिए मामू जी भाई सफाई कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए भाई ये रखा हुआ है भाई गोबर खींचने के लिए रखा हुआ है, ठीक है यार। सनी भाई क्या करने वाले हो आप, क्या करने वाले, बड़े मामू को? तो यार बड़े मामू पता नहीं कहाँ गायब हो गए यार, उनसे बात करनी थी, वो पीछे बैठे हुए थे, उनको कॉल आ गई कोई तो वो चले गए, शायद घर में गए हैं, कोई चक्कर नहीं आते होंगे अभी। तो वो ये देखिए भाई ट्रैक्टर बहुत सही है यार, ट्रैक्टर चलाने का बड़ा मज़ा आता है यार, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है वैसे, ठीक है। ये ट्रॉली लगा के नहीं, मैं बड़ी ट्रॉली लगा, जो बड़ी ट्रॉली होती है ना वो लगा के नहीं मैं चला पाया कभी, वैसे मैं चला लेता हूँ ट्रैक्टर, छोटी ट्रॉली के साथ चला लेता हूँ, परफेक्ट तरीके का चलाया हुआ मैंने। और ये बाइक है भाई अच्छा, अभी भी मेंटेन है भाई, बहुत पुराना मॉडल है ये, आई थिंक कोई 10 साल पुराना मॉडल है ये। और ये देखिए अच्छी खासी दुला के रखी हुई है, मतलब चलती भी बहुत ज़्यादा ये। तो ये है भाई मशीन, यहाँ पे भाई इनका मतलब चारा है जो, ठीक है, इसको अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से कट करके फिर डालते हैं, ठीक है, गाय को, ठीक है, छोटा छोटा काट काट के फिर डालते हैं। और चलो ठीक है भाई अब करते हैं यार ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद बताता हूँ मैं आपको क्या करना है, ठीक है, मिलता हूँ फिर थोड़ी देर बाद में। और मैं बता देता हूँ पहले आपको अपना मामू का घर पूरा, ये देखिए यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे मतलब गायें रखी हुई है साइड पे, ये थोड़ी सी पार्किंग, ठीक है, आ रहा हूँ तो रोटी के लिए भाई मेरे को बुला रहे हैं सब। देखिए ये है पूरा, ठीक है, ओके तरीके का। तो नानी और कर रहे हैं भाई ब्रेकफास्ट स्टार्ट, और मेरा भी ब्रेकफास्ट लग चुका है, ठीक है, तो देख लो भाई नानी और भाई करने लगे हैं स्टार्ट, मेरा भी नंबर लगने वाला है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ। तो देखिए भाई नानी उन्होंने कर दिया भाई स्टार्ट ब्रेकफास्ट, ठीक है, मेरे को बोल रहे थे बट मैं यार लेट खाता हूँ वीडियो बना के सबकी। चलो करो स्टार्ट, आप बताओ कैसे ये बनी है सब्जी, अरे अभी टेस्ट भी नहीं की, दिखाई दे रही है भाई, दिखाई दे रही है, पूछते हैं भाई इनसे क्या कैसी बनी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, बढ़िया ना, हाय हाय मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा, हाँ 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 सही बात है भाई, सत्संग के बाद भाई रोटी बनाई हुई है, ठीक है, अब खाएंगे अभी मिलके, बाय बाय टेक केयर, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में। हम पहुंच चुके हैं बड़े मामू के घर के बाहर, तो भाई हम बाइक लेके आए थे, तो मामू जा रहे हैं भाई क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भाई वहीं पे है, तो देखिए भाई मामू जा रहे हैं अभी, मामू यार ब्रेकफास्ट करके आएंगे वहां पे। तो ये देखिए भाई बुलेट बाइक ले ली हुई है मामू ने, क्या चीज़ हाँ कर ले कर ले, देखो 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 भाई बढ़िया है बाइक ली हुई है भाई, तसली दी भाई बाइक है बुलेट, अरे वीडियो चढ़ेगी कोई चक्कर नहीं, मामू निकल रहे भाई ब्रेकफास्ट करने, हम तो कर रहे हैं यार अभी, मामू की टर्न है, मामू को भेज रहे हैं हम, अरे जाओ जाओ जाओ, मामू जी चले चुके हैं भाई, अब हम अंदर जाके करेंगे भाई बातचीत सारी, ठीक है, अच्छी भाई भी आ रहे और अच्छी भाई निकल गए हैं अभी, ये देखिए भाई अंदर चलते हैं, ठीक है, देखने का सीन है। तो मामू जी ने भाई थोड़ा सा घर का नक्शा चेंज किया हुआ है, तो ये देखिए भाई, ये भाई थोड़ा सा इसमें ये देखिए भाई नक्शा पूरा चेंज हो चुका है घर का, तो ये बाहर शेड बनाया, ठीक है, अंदर से जो मतलब यहाँ पे गाड़ी लगाते थे ना हम, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसकी अगली साइड पूजा रूम काटा, तो बाहर वाली साइड ये बनाया हुआ भाई शेड, देखो अभी भाई आराम से 2-3 गाड़ियाँ लगती हैं, ठीक है, तो भाई और लगे हुए हैं काम शाम, ठीक है। तो करण पता नहीं क्या कर रहा है, और करण क्या हाल है, बढ़िया कैसे हो, ठीक हूँ बढ़िया, और बाइक चलाई थी बुलेट बाइक, हाँ बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है ना, मज़ा आया चलाने का, ठीक है खुश है ना, अब आराम से चलाना, ठीक है भाई आराम से चलाना, स्कूटी भी रखी हुई है पर अभी बुलेट बाइक लेके दी है, ठीक है, और ये देखिए भाई अच्छे भाई लगाए हुए हैं भाई, छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, ये पता नहीं किसका प्लांट लगा हुआ है यार, मेरे ख्याल से नींबू है या मौसमी है, पता ऐसा ही कुछ संतरे 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 का लगाया हुआ है भाई। तो ये देखिए भाई मामू ने गाड़ी भी चमकाई हुई है, लॉय देखो यार गाड़ी के तगड़े लॉय ना, देखो यार बढ़िया यार बढ़िया है बढ़िया चमकाई हुई है यार, मामू जब तक रहते हैं भाई घर में गाड़ियाँ चमकती रहती हैं, देखिए 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 ये देखिए बताना भाई किस किस ने लेनी है, ये हमने बेचनी है भाई, ठीक है, 4.5 लाख रुपये में, ठीक है, मेंटेन रखी हुई है भाई पूरी तसल्ली से, तभी भाई 4.5 लाख की बेचनी है, ऐसे नहीं बेचनी थी क्योंकि हमने अभी भाई थोड़ी टाइम बाद मामू ने लेनी है भाई स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो मामू को पसंद है बड़ी। तो ये देखिए ये है पीपा, यहाँ पे जलाते हैं हम आग, अभी तो ठंड का मौसम जा चुका है, तो ठीक है यार ठंड का मौसम आएगा तो पीपा एक और खरीद लेंगे, ठीक है, तो ठीक है दोस्त। सनी भाई से पूछते हैं भाई कैसा लगा भाई मामू का घर, सनी भाई कैसा लगा, मतलब ये
अच्छा, अब है ना अच्छा लगा ना अच्छा हो गया बढ़िया हो गया यार मतलब दो तीन गाड़ियां लग सकती हैं आराम से अच्छा अच्छा अभी तो काम चल रहा है अब जब पूरा साफ हो जाएगा ना काम भाई तो क्लीन हो जाएगा पूरा घर तो फिर देखना भाई कितनी लुक आएगी तो सनी भाई तो जा रहे हैं अंदर तो मैं तो भाई बाहर ही करता हूँ बाकी से तो भाई साहब लगे हुए हैं यार मैं काम वूम करने तो इनसे कर लेता हूँ यार थोड़ी देर बाद में आज पता नहीं टाइल लगाने वाले हैं अंदर क्या हाल है भाई बढ़िया ठीक है टाइल लगाने जा रहे हो अभी ओके तो रहते कहाँ पे हो सांभे रहते हो ठीक है तो वैसे वैसे घर कहाँ है प्रॉपर बिहार में तो बिहार के लोगों से क्या कहना चाहते हो सब बढ़िया जम्मू कश्मीर में आके मतलब कैसा लगा आपको अच्छा अच्छा ठीक है तो ये कौन सा सीमेंट मतलब जो टाइल पे यूज होता है ठीक है भाई ये तो ये इससे भाई टाइल छूटती नहीं एक बार लगा दो ना ठीक है केमिकल वगैरह भी होते हैं आजकल भाई अच्छे खासे तो अच्छा रहता है मतलब तो यहाँ पे मतलब यहाँ से पूजा रूम काटा है अंदर को तो अच्छा होने जाएगा यार अभी टाइल वगैरह लगनी बाकी है तो ये पहले गैरेज होता था यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं ना वो अंदर रेड मतलब वॉल मिल रही है वहाँ तक गैरेज था भाई गाड़ी लग जाती थी एक बट स्कूटी और स्कूटी कहाँ लगानी होती थी भाई अभी तो बाइक भी आ चुकी है तो अभी इसलिए भाई ये बनाया हुआ गैरेज अच्छा खासा बड़ा गैरेज है तो आराम से भाई मतलब लग जाएगा दो तीन गाड़ियाँ जो भी है ठीक है तो ठीक है यार काम चल रहा है अभी फिर से बताएंगे आपको आके ठीक है क्योंकि एक हफ्ते में मतलब काम खत्म हो जाएगा मेरे को ये लग रहा है तो दोस्तों ठीक है चलता हूँ यार ये देख लीजिए ये देखो ये हूँ मैं और मैं कैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ देख लो अपने फ़ोन के साथ में हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ मैंने भाई अच्छे से ठीक है बढ़िया है ना तो ठीक है दोस्तों मिलता हूँ यार फिर आपको थोड़ी देर बाद में फिर बताता हूँ आपको क्या सीन है टेक केयर बाय बाय मिलता हूँ क्यों तो भाई देखिए भाई ये देखिए हमारे मामू के बेटे ने भाई रखे हुए हैं भाई डंबल ठीक है डंबल की लोग भाई ये ठीक है लोहे का पूरा तो मज़ा आ जाता है यार कसरत अगर घर में करनी हो ना तो मज़ा आता है ठीक है अब लगाता हूँ यार आ गए थोड़े से डंबल ठीक है डोले छोले बनाते हैं अभी आ जाए एक दिन में तो भाई नहीं बनेंगे पर कोई नहीं भारी भारी लगता है ऐसे रहेंगे बहुत ही मैं भी रखूँगा भाई इसे ठीक है चल 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 अरे भाई यार मजा आ गया यार आपको पता एक्सरसाइज करके तो बड़ा गुड फील होता है वैसे तो आप ही किया करो यार एक्सरसाइज से मतलब आपकी बॉडी ना अच्छे से वर्क किया जाएगी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आती है यार बॉडी में और अच्छा लगता है यार सब कुछ यार चलो ऊपर लेते हैं ऊपर छोटे जाते हैं सबको आइए 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 चलते हैं भाई ठीक है तो छत पे देखिए भाई ये देखो यहाँ पे बताना एक बार सन्नी भाई लगा रहे हैं गप्पे छप्पे बैठ के हुए ठीक है अरे वही मत छपे कर रहे हैं गप्पे छप्पे मतलब वही बात ही तो ये देखिए ये है मेरे मामू का गांव ठीक है यहाँ पे गुरुद्वारा भाई बहुत अच्छा बहुत सोना गुरुद्वारा ठीक है डेली सुबह शाम भाई पाठ होता है मतलब इनका जो भी इनका तो बहुत मज़ा आता है यार भजन वगैरह मज़ा आ जाता है भाई तो और क्या बताऊँ यार फिलहाल तो यही है तो ये देखिए ये यहाँ पे ना एक घर है भाई कौन सा घर है भाई वो मेरे को समझ नहीं आ रही यही घर है शायद ये है मेरे दोस्त का घर वो रहता है विजयपुर में पर उसका घर यहीं पर है गाँव में नहीं आता भाई वो तो कोई नहीं और क्या बता सकते हैं यार आपको ठीक है और वैसे तो कुछ नहीं है भाई मज़ा आता है मामू के घर हर टाइम मज़ा आता है ठीक है तो अब आगे से बताते हैं थोड़ा सा ठीक है चलो यार मज़े आते हैं भैया ये देखिए वो लगी हुई है हमारी गाड़ी ठीक है ये लगी है हमारी गाड़ी भाई मामू की गाड़ी ये स्कूटी लगी हुई है नीचे ये देखो और ये अभी काम चल रहा है अभी शेड बनाया ये गैरेज बनाया अच्छे से तो अच्छा लगेगा भाई अभी तो ये मतलब साफ सुथरा किया हुआ एक हफ्ते तक पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा पूरा अच्छे से तो उसके बाद भैया फिर आऊँगा ना मैं फिर आपको बताऊँगा कि ठीक है तो वैसे तो मस्त लाइफ है ये देखिए ये भी ईंटें भी लगी हुई हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर टूटी है ये दीवार तो सब बढ़िया यार सब मस्त है मिलता हूँ यार थोड़ी देर बाद में आपको फिर करता हूँ फिर बताता हूँ आपको ठीक है क्या सीन है तो भाई एक चीज़ और बता देता हूँ मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है वो अपने मामू घर में छोटे छोटे लगाए हुए हैं ना पौधे यार देखो ये देखिए पास आगे बताने देखो भाई इतने अच्छे लगते हैं ये पूरे कपल यहाँ पे ये देखो ये मनी प्लांट की बेल है मनी प्लांट की तो ये सूखी अभी थोड़ी कोई नहीं बड़े से अच्छा खासा पानी देके भाई इसको बनाएंगे वहाँ क्या ये देखो ये भी कितना अच्छा पेड़ है भाई ये प्लांट थोड़ी सो ये देखिए भाई ये भी कितना अच्छा लग रहा है यार ये पेड़ तो ये तो फूल है मतलब फूल जड़ गए हुए हैं अभी हवा की वजह से ऐसे तो बाकी ठीक है तो ये पता नहीं क्या यार एक मिनट रुक जाए ये देखिए ये पता नहीं किस चीज़ की बेल सी है पता नहीं किस चीज़ की है बट ये सही है ये चीज़ सही है ये देखो
ठीक है, ये चीज़ प्यार है, मैं सोच रहा हूँ घर में लगाऊँ यार इस चीज़ को। हाँ ऐसे सही है, नहीं मस्त है भाई, ये कहीं ऊपर अटकते हैं भाई, अभी तो प्रॉपर जगह नहीं है वैसे, तो वैसे है मस्त चीज़ ये, ठीक है। तो ये देखो मेरे हाथों में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ये देखिए मस्त है भाई, मस्त रख देते हैं फिर, ठीक है, बाकी कोई चक्कर नहीं। और ये देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये साइकिल सबसे पहले हमने ली थी भाई गांव में, सबसे पहले, ठीक है, मतलब अपने इलाके में तब कोई ऐसी साइकिल नहीं आई थी। तो देखो यार, मतलब मामू के बेटे को स्कूटी बाइक मिल गई हुई है, पोस्ट क्लियर नहीं करता, देखो टायर देखो क्या हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं जल्दी ले जाऊँगा इसे घर में, उसे मेंटेन मतलब अच्छे से करवाऊँगा, तो मज़ा आएगा यार फिर, तो है अच्छा वैसे यार, मेरे को बड़ा सही लगता है। तो ठीक है यार, चलते हैं यार यहाँ से, ठीक है। तो आज मैं बता रहा हूँ यार अपने मामू को घर, आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, नंबर रखे हुए हैं, बाद में मारूंगा अच्छी खासी भाई, जान बना लूँगा, कुछ लोग ऐसे मारते नहीं, तो आज ले जाऊँगा मैं घर में। यहाँ भी भाई लगाया वो छोटा था पौधा, ये बड़े बड़े भाई देखो गुलदस्ते लगाए हुए हैं अभी तो फिलहाल, कहाँ हाँ भाई ये प्रॉपर स्टैंड बनाया हुआ है, ठीक है, एक नीचे, ठीक है, एक नीचे दो ऊपर लगाए हुए, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल काम चल रहा है, ये देखो टाइल लगानी है हमें, वाइट टाइल लगानी है, ठीक है, ये पूजा रूम की टाइल है, तो अभी पहले पानी में डालते हैं इसे, तो अच्छी तरह मतलब ये पानी अब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो फिर इसको भाई लगाते हैं, ठीक है, सब सही है। तो भाई साहब हमारे काम का ये टाइल लगाने वाले हैं यार, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, हमें तो पता नहीं क्या प्रोसेस होता है अभी, तो ये पानी देके इस कैमी मतलब जो टाइल वाला सीमेंट है इसको लगा रहे हैं। और मैं इतना बताता हूँ कि जो ये सीमेंट है ना, ये बड़ा सही टाइल का सीमेंट, एक बार लगा दो तो कहते हैं कि कोई 40-50 साल तक ऐसे ही लगी रहती है, पक जाती है अच्छे से टायर, ठीक है, गिरती नहीं है। तो पहले जो नॉर्मल सीमेंट थे उसके ऊपर मतलब टायर ठहरती नहीं थी, तो अभी सही है यार टेक्नोलॉजी के हिसाब से, भाई इन चीज़ें आती रहती हैं। तो ये देखो लैडर पड़ी है, सीढ़ियाँ पड़ी, सही है यार, लोहे की मस्त चीज़ है, छोटी है वैसे, थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, इतनी सी होनी चाहिए बाहर, ठीक है, अपना अपना होता है हिसाब किताब हमारा, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ के होनी चाहिए। तो आइए यार ये भी बता देता हूँ आपको, यहाँ से कट कर लिया, ठीक है, पहले गैरेज पूरा अंदर तक होता था, है ना, तो अभी यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से हम बनाएंगे पूजा रूम, क्योंकि वहाँ से अंदर वाली साइड एक डोर है, तो वहाँ से प्रॉपर से पूजा रूम बन जाएगा छोटा सा, ठीक है, बता देता हूँ आपको काम। तो ये देखिए भाई यहाँ पे कच्चा बनाया, हम बना देंगे पूजा रूम, ओके, तो यहाँ पे डोर लगा हुआ है, बता देता हूँ कम ऑन भाई, ये डोर लगा हुआ अच्छे से, मतलब हम वहाँ से अंदर से डोर खोल के आराम से पूजा कर सकते हैं, यहाँ से हम कर देंगे बंद, और इसीलिए यार, और गैरेज तो हमने वैसे भी एक्सटेंड करना ही था, क्योंकि यहाँ पे एक ही गाड़ी लगती थी, हमारी स्कूटी बाहर ही लगी रहती थी, अभी तो एक और व्हीकल ऐड हो गया, मतलब वो है हमारी बुलेट, ठीक है, तो इसलिए हमने बनाया भाई गैरेज, देखो अच्छा हो गया भाई, अच्छा प्रॉपर लुक भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, तो ठीक है यार मस्त चीज़। अभी एक हफ्ते के बाद मतलब सब क्लीन हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, फिर अच्छे से दिखेगा, ठीक है, तो अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, एक हफ्ते के बाद अगर कभी भी मेरा चक्कर लगा ना, फिर प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में, बाय।